इस समय मैं प्रतापगढ़ पट्टी तहसील के बाहुपुर गांव में हूँ। यहाँ पर कबड्डी का एक बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। आप देख रहे हैं पीछे भीड़ है, कबड्डी का डे नाइट मैच होगा और उत्तराखंड के सुपरस्टार जो है शेर बहादुर। सेहत के लिए चाय जरूरी है, आज बता दिए आप, अच्छा किए, मैं भी पी लेता हूँ। सलीम भाई कहाँ चले गए यार? आजाद को नाश्ता दिए ही क्यों? नाश्ते के वक्त गायब थे तो बाद में देना नहीं चाहिए था उनको। दोनों टीमें ग्राउंड पर उतर चुकी हैं। आपको बता दिया जाए कि उत्तराखंड ने लीग मुकाबले में अंबेडकर नगर को हराया था। तो पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला 16 मिनट का खेला जाएगा, आठ मिनट का हाफ टाइम होगा। चलिए इसके बाद फिर से हम हाजिर हैं दूसरे राउंड के मैच के लिए। यहां पर मुकाबला बनाम पूरे दो जानिए के बीच सिक्का उछला है, देखना है किसके पक्ष में गिरता है सिक्का। पूरे दो जानिए में तवसीता और उसकी है। तो पहली रेड यहां पर उत्तराखंड के लिए 16 मिनट का गेम है, 8 मिनट का पहला हाफ, दोनों टीमें काफी मजबूत। देखना है कि ये किस रणनीति से उतरेगी उत्तराखंड की टीम, क्योंकि एक तरफ पूरे दो जाने की काफी अनुभवी टीम है, एक से बढ़कर एक रेडर है, डिफेंस उनका मजबूत है। ओके लाइनमैन टाइम कीपर, चलिए गेम ऑन। पहली रेड के लिए रेडर उत्तराखंड, इस समय कोर्ट है पूरे बेजानी एक सितारों से सजी हुई टीम, निश्चित तौर पर कह सकते हैं। पहली रेड यहां पर अंपी गई है, इधर रेडर आशु एक अच्छे रेडर है, लंबे यहां पर कोशिश करते हुए आशु, हालांकि फुल कोर्ट है तो बोनस भी ऑन है, क्या अटेम्प्ट किया जाएगा यहां पर? गलत प्रयास, आशु जैसे रेडर को नहीं कह सकते, तो यहां पर पॉइंट आता हुआ पहला पॉइंट फिर डेजानी के नाम। इधर रेडर उत्तराखंड दूसरी रेड के लिए गए हैं, पहली रेड हालांकि एम्प्टी थी, वहां पर कोशिश करता हुआ रेडर, सभी खिलाड़ी हैं तो रेड एम्प्टी गई मोबाइल और पूरे डेजानी ने खाता खोला है। पहले हाफ टाइम में पहला जो खाता खुला है पूरे तेजानी की तरफ से, और मुबारक आ चुके हैं, क्या कमाल के खिलाड़ी हैं मुबारक। और आपको क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जैसा कि मैंने बताया था देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या कैचिंग पोजीशन है उत्तराखंड की तरफ से, राइट कॉर्नर से रोहित है, लेफ्ट कॉर्नर से बोनस लेने का प्रयास है, हालांकि जी हाँ निश्चित तौर पर बोनस मिलेगा और दो पॉइंट हो चुका है पूरे तेजानी का। देखिए टेक्निकल गेम खेलते हैं मुबारक, यहाँ पर विशल बज रही है, आप टेक्निकल पॉइंट दिया गया वहां पर, तो एक पॉइंट मिला है फिर से पूरे देवजानी को। इस समय रेड करने के लिए गए हैं रेडर दीप, एक अच्छे रेडर है पूरे देवजानी, दीप की यहां बैठक की कोशिश, एक अपील हो रही है वहां पर, लेकिन रेफरी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं और इस बार यहां पुनः देखना पड़ेगा। तौर पर यहां पर रेडर को आउट दिया गया है, रेडर दो पॉइंट किसको आ रही है, पॉइंट दिया गया है माफ कीजिएगा रेडर से पे, और चार पॉइंट हो चुका है पूरे देशानी का। चलिए कैसा राउंड था वहां पे, कैचर आउट है भैया यहाँ पे बताया जा रहा है आपको,
तो रेफरी महोदय थोड़ा सा इशारा देख कर दीजिए, जिधर भी देना हो कंफ्यूजन मत पैदा करिए। इधर रेडर जी बिल्कुल, पहले हाफ टाइम में 4 पॉइंट लेके बाहर बना चुके हैं पूरे दसानी की टीम, लेकिन बाहुबली रेड करने के लिए गए हैं जेपी, जिन्होंने पिछले मैच में एक बार में ही 4 पॉइंट लेके आए थे, एक सुपर रेड किया था। हालांकि एक बात मैं बता दूं, वो मैच दूसरा था, ये मैच दूसरा है जी बिल्कुल। यहाँ पर एक मजबूत टीम उनके सामने है और यहाँ देखिए ये अनुभवहीनता आप कह सकते हैं। बिल्कुल पूरी तरीके से आप यहाँ गेम खेलने आए हैं, गार्डन में टहलने नहीं, आपको इतना होशियार रहना पड़ेगा। यहाँ बैक किक का प्रयास लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। इस समय लेफ्ट कॉर्नर से अटैक लेकिन एक बार पुनः रेड एंट्री जाती हुई, तो इस तरह एंट्री रेड यहाँ पर पूरे दोगानी को फायदा देगी। अभी तक खिलाड़ी सुपर टैकलान है, अभी तक खाता नहीं खुला है उत्तरास का। एक और पॉइंट मिलेगा दीपू को, 6 पॉइंट हो चुका है पूरे रेजानी का, अभी तक खाता नहीं खोल पाई उत्तरास की टीम। क्या जबरदस्त खेल का प्रदर्शन दिखाई है पूरे रेजानी, तो देखना यह है क्या खाता खोलने के पहले ऑल आउट हो जाएगी टीम उत्तरास या कोई पॉइंट लेकर जाएगा यहाँ पर खिलाड़ी, लेकिन रेड एंट्री गई है लगातार। कैसा अनुभव का यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है उत्तरास में, एक और पॉइंट मिलेगा। हालांकि इसके लिए कोई अनुभव की जरूरत नहीं है कि रेडर रेड करके वापस जाए और आराम से टहलता रहे, यहाँ पर थोड़ा भी अलर्ट नहीं है उत्तरास के खिलाड़ी। आप देख सकते हैं कि लाइन लगी हुई है खिलाड़ियों को जिनको कैचिंग किया गया, यहाँ पर ऑल आउट। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का प्रदर्शन हो रहा है उत्तरास की तरफ से। 3 पॉइंट मिले हैं पूरे देशानी को, 10 पॉइंट पर पहुंच चुका है और अभी तक भी खाता नहीं खुला है। जैसा कि आपने बताया था कि क्या ऑल आउट होने से पहले खाता खोल पाएगी, जी हाँ बिल्कुल नहीं खोल पाई। ये क्या गजब का खिलाड़ी है, बिल्कुल यहाँ उछलते हुए अपने आप को बचाए, 1 पॉइंट भी ले गए, तो कह सकते हैं एक तरफा मुकाबला जी। इस समय पूरे देवजानी खिताब की मजबूत दावेदार टीम है, ये कह सकते हैं आप। जी हाँ, पूरे देवजानी इस फाइनल की प्रबल दावेदारी में है। एक और एक टीम है जिनको उत्तरास को बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सुपर रेड करने का प्रयास है, लेकिन 2 पॉइंट मिलेंगे तो 2 पॉइंट से खाता खुला है उत्तरास का। हालांकि बड़ा मैच है, यहाँ से प्रयास करना होगा, पलटवार करना होगा, अपने खेल के स्तर को ऊपर उठाना होगा उत्तरास को अगर मैच में बने रहना है। हाँ बिल्कुल, देख सकते हैं बोनस लेने का प्रयास है बिल्कुल, यहाँ पर टच पॉइंट की मांग है। यस, यहाँ रनिंग किक लगाई गई खिलाड़ी को, तो एक और पॉइंट आता हुआ पूरे देवजानी के नाम। 12 पॉइंट हो चुके हैं पूरे देवजानी के, मात्र 2 पॉइंट है उत्तरास के, 10 पॉइंट का लीड दे चुकी है। तो यहाँ पर एक और इसके पहले रेड पर 2 टच पॉइंट लेकर आया था यह खिलाड़ी, क्या वही कारनामा फिर से दोहराएगा, इस समय जरूर रखे निश्चित। यहाँ पर 1 टच पॉइंट और 3 पॉइंट हो चुका है उत्तरास का, अभी भी काफी पीछे है, 9 पॉइंट का लीड लेके खड़ी है पूरे देवजानी। ये क्या कमाल का खिलाड़ी है, नंबर 1 का जर्सी में, लेकिन राइट कॉर्नर से इस बार दीपू आए हैं, लेफ्ट कॉर्नर से राहुल आए हैं, देखना यह है कि कौन से खिलाड़ी इनको टैकल करते हैं। ये खिलाड़ी पहले भी पकड़ने का प्रयास हुआ था, हालांकि यहाँ पर अब कोशिश नहीं है किसी को अटैक करना है तो उत्तरास को करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देवजानी की टीम बिल्कुल शुरुआती बढ़त बना चुकी है। यहाँ पर रेड एंट्री के 5 खिलाड़ी है, बड़ा सवाल है नहीं यहाँ से, तो क्या करेगा रेडर, चलिए आ जाइए। देखिए इस तरह का खेल का प्रदर्शन यहाँ अनुभव बनेगा। 13 पॉइंट हो चुके हैं पूरे देवजानी के, मात्र 3 पॉइंट, 10 पॉइंट का लीड बना चुकी है पूरे देवजानी इस पहले हाफ में मुकाबले में। 5 पॉइंट और यहाँ पर लिया गया है रेडर के द्वारा, तो कह सकते हैं एक तरफा मुकाबला पूरे देवजानी के पक्ष में जाता हुआ है। दूसरे राउंड का पहला मुकाबला, अगली टीम को अनाउंस कर दीजिए और रेडी रहेगी। केपी योद्धा वर्सेस मुजफ्फरपुर के बीच दूसरा मुकाबला, आज का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। हालांकि उत्तरास इस मुकाबले में खड़ी भी नहीं हो पाई, एकमात्र रेडर आपको देखने को मिला है जेपी के माध्यम से, जिन्होंने मात्र 4 रेड किया है। आशु ने इस बार ऐसा डर किया जैसे बिल्कुल नौसिखिया बच्चा टैकल करने, वाह जबरदस्त तरीके से उछलते हुए यहाँ पर अपने आप को बचाया दीपू ने, अपने टीम के लिए। इनको तो आप प्रदीप नरवाल समझिए, बिल्कुल इनको कैचिंग करना आसान नहीं होता है किसी खिलाड़ी के लिए,
अच्छे हैं, अच्छे रेडर है, अच्छी टीम है। और देखिए अंकल भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, तुसानी के रडार में आया कोई भी खिलाड़ी जो 16 टैकल ही करते हैं वो 16। आजाद, मैं आपको बता दूं कि एंकल होल्ड एक ऐसा ट्रिक है, अगर वो सही से होल्ड में आ गया तो फिर रेडर के पास कोई मौका नहीं बचता। एक ऐसा हथियार कह लीजिए कि जो तूफानी के पास है एंकल होल्ड का। और मैंने देखा है कि बहुत सारे मैचेस में बहुत बार इनकी जो ग्रिप है वो फिसलती नहीं। बिल्कुल एंकल होल्ड वही सही माना जाता है भैया। तो एक मिनट, बिसल बज रही है, क्या हुआ? बिसल बजी है, आप बाहर आ जाइए। इसलिए अब जाइए, 17-4 जो मुकाबला है, 4 पॉइंट क्रॉस के, 17 पॉइंट पूरे देजानी एक है। तो मुकाबले में आप कह सकते हैं कि 13 पॉइंट का लीड और पूरी तरीके से परास्त कर सकती है उत्रास को। पूरे देजानी एकमात्र रेडर है। इस रेड के बाद हाफ टाइम हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हाफ टाइम कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। जी हाँ, पहले हाफ टाइम में पूरी तरीके से बढ़त बनाई है पूरे देजानी है, 17 अपने लीड को बरकरार रखी है और 4 पॉइंट मात्र त्रास के हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का खेल हो रहा है। हालांकि एक मैच अभी तक छोड़ दिया जाए साथ, तो लगभग सभी मुकाबले एक तरफा ही हुए हैं। और मैं आप तहदुर भाई आगे के मैचेस के बारे में भी बता दूं कि पूरे देवजानी से जिसका भी मैच लगना है कुछ इसी तरीके का खेल भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, टीमें जिस तरह हमने देखा है लगभग एक तरफा ही मुकाबला पूरे देवजानी के खिलाफ होगा। हालांकि एक दो टीमें हैं लेकिन किस तरह की टक्कर देगी ये देखने की बात होगी। यहाँ पर एक और टच पॉइंट, कैप्टन को आउट किया है। तो बड़ा चैलेंज है यहाँ पर पूरे देवजानी के लिए कि क्या इन ये जो रेडर गया है इसे टैकल की कर पाते हैं या फिर पॉइंट देते हैं। और 18 पॉइंट हो चुके हैं पूरे देवजानी के, मात्र 4 यहाँ पर पॉइंट आता हुआ। मुझे इस रेडर को देख के अभी जिस तरह से छटपटा रहा था मछली के आया। हालांकि अच्छी रेड कही जाएगी लेकिन क्या करें, बेचारा एक रेडर ना डिफेंस मजबूत दिख रहा है ना तो और रेडर साथ दे रहे हैं। यहाँ पर सामने पूरे देवजानी जैसी टीम है जो स्टार्स खिलाड़ियों के साथ बैठ की पॉइंट आता हुआ। तो इनका नाम जेपी है, ये अकेले लड़ रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं आप, प्रयास उनका अच्छा है, अच्छे खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं वो। 20 पॉइंट हो चुके हैं पूरे रोजानी के, मात्र 5 पॉइंट हैं उत्रास के। और जो 5 पॉइंट है केवल जेपी ही लाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पॉइंट का कोई मसला नहीं रह गया है आजाद। मैच लगभग कह सकते हैं आप उत्रास के लिए खत्म हो चुका है। जी जी जी, केपी योद्धा और मुजफ्फरपुर तैयार रहेगी इस मुकाबले में की बात, क्योंकि उनका ही मैच चालू होगा। चलिए, सुपर टैकल हुआ है, 2 पॉइंट। अरे उत्रास का 2 पॉइंट है भाई, कहाँ जोड़ दिए हो उत्रास का? मेरे उत्रास का लाल है भैया, उत्रास का 7 पॉइंट हो चुके हैं उत्रास के। अरे उधर 5 ही रखे हैं। चलिए ठीक है, वो स्कोरर महोदय थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो 7-20 का मुकाबला, अरे चुनौती की क्या यहाँ पर आजाद, पूरे दो जाने वालों को हिम्मत नहीं पड़ रही है। मैं बात कर रहा था कि बड़ी चुनौती है। 3 खिलाड़ी सुपर टैकल ऑन, क्या यहाँ पर जीतू सुपर टैकल का शिकार होंगे या फिर पॉइंट लेकर के जाएंगे? हालांकि कला बहुत है इनके अंदर। सुपर टैकल, हालांकि यहाँ पर टीशर्ट नहीं पकड़नी चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक टेक्निकल पॉइंट, जानबूझ के नहीं के तौर पे है, लेकिन इस बार गलती होगी तो टेक्निकल पॉइंट दिया जाएगा, इसको ध्यान दीजिए। एक इधर फिर से वो गलती किया, कितना है पॉइंट, कितना है? जी हाँ, 21-9 हो चुके हैं। अरे कहाँ डाले यार, 7 ही पॉइंट है आपका। मुझे ये देखना है कि इस रेडर को हिम्मत करती है पूरे देवजानी की टीम पकड़ने वाली है। बदल भाई, क्या यहाँ पर टैकल किया जाता है, मुझे देखना ये। अखंड ने जो जिनकी यूनिक टेक्निक है होल वर्ल्ड में, बिल्कुल मुझे याद आ रहा है वहां शुक्लागन में समझौता हुआ था जब सद्दाम जैसे रेडर को उन्होंने कलाई से पकड़ा था और सद्दाम वही जम गए थे, कुछ कर नहीं पाए। जी हाँ,
अखंड का अपना अलग अंदाज है। सबसे चोट लिया गया है और बता दीजिए भैया, और जो पॉइंट है 22 और 9 है अभी भी, यानी उत्तरास का 9 पॉइंट है, पूरे दर्जानी का 22 पॉइंट है। ये रेडर एक बार भी वापस नहीं आया है। चलिए ठीक है, तो तूफानी के तूफान में जाके अरस जा रहे हैं ना भैया। जी बिल्कुल, मैं तूफानी को अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्या कमाल के कैचर है वो। उनकी ग्रिप बहुत ही जबरदस्त है। लास्ट मिनट खेल का चल रहा है, आशु क्या करेंगे ये देखने की बात होगी। हालांकि बिना टच पॉइंट लिए वापस आए हैं और बहादुर गए हैं रेट करने के लिए, क्या इस बार बहादुरी दिखाएंगे। वाह, दिखाने की तो कोशिश किए लेकिन सारी बहादुरी वही रखी रह गई है। और 24 पॉइंट हो चुके हैं पूरे दोजानी के, एक और 7 पॉइंट जोड़ लीजिए आप। एक नहीं 3 पॉइंट जोड़िए संभवतः। मात्र 9 पॉइंट दो पॉइंट के साथ थोड़ा सम्मानजनक स्कोर पर पहुंच चुका है उत्तरास, 11 पॉइंट हो चुके हैं। हाँ भैया 2 पॉइंट रहेगा आपका, बेफिक्र रहिए। चलिए यहाँ पर रेडर उत्तरास कुछ बचा नहीं है उनके लिए इस समय, बिल्कुल कह सकते हैं केपी योद्धा वर्सेस मुजफ्फरपुर के कैप्टन से अनुरोध है कि खिलाड़ी लेके गेट पे खड़े रहे। हाँ तो इस रेड के बाद अंतिम रेड होगी इस मैच की, इस रेड के बाद अंतिम रेड होगी इस मैच की। पूरे रेजानी में ऐसे 2 खिलाड़ी हैं जो बैक किक से टच पॉइंट लाते हैं। चलिए 1 पॉइंट और लिया गया है, तो अंतिम खिलाड़ी भी है, अंतिम रेड भी है इस मैच का। मैं आपको बता दूं इसमें एक खिलाड़ी अखंड है, सबसे जबरदस्त बैक किक है उनकी, लेकिन अभी रेड में हाथ नहीं आजमा रहे। कौन? पूरे रेजानी में। अरे मैं देख रहा हूँ, चूंकि देख लेते हैं जब कि जिस तरह का मैच, यहाँ पर मैच खत्म होता है, मैच खत्म यहीं पर, टाइम ऑफ। और पूरे देवानी ने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उत्तरास को परास्त किया है। अगला जो मुकाबला है केपी योद्धा वर्सेस मदापुर।